बहुत लोग कमेंट आए, सब लोगों ने एक ही बात पूछी कि तिल ठीक करने की कोई मेडिसिन बताइए। पर सभी लोगों से एक बात पूछूंगा, जो मूल होता है, जो तिल होता है, वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता। जो ओरिजिनल मूल होता है वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता है, बस बाद में आए हुए जो काले धब्बे होते हैं या मूल जैसे दिखाई देते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अगर मूल होगा तो जन्मजात का पहले से पैदाइशी होगा, वो कभी ठीक नहीं होता। तो बाद में आए हुए जो काले धब्बे होते हैं वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। तो उसी के लिए आप लोगों को दवाई बताएंगे आज प्रस्तुत हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर NC पांडे, नवीन चंद्र पांडे, प्रतिपद्ध से समस्याओं का समाधान बनाकर प्रस्तुत हूँ। आज का टॉपिक लिखे हूँ, मूल किस तरह से ठीक हो सकता है, तिल किस तरह से ठीक हो सकता है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तिल होता है वो कभी ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो पैदाइशी होता है, जिसको हम निशानी के रूप में या पहचान पत्र में भी उसको डालते हैं, वो कभी ठीक नहीं होता। जब बाद में आए हुए मूल जैसे दिखते हैं काले काले धब्बे, वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। उसी के लिए कुछ दवाई बताने जा रहा हूँ, उसका इस्तेमाल करेंगे तो पूर्ण रूप से मूल जो है, तिल जो है, पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। पहली मेडिसिन है थूजा 200 में, इसकी 3-4 खुराक लीजिएगा, बाकी नहीं लेनी है। एक खुराक ले ली या पुड़िया बना के ले लीजिए या गोली बना के ले लीजिए या डाइट ड्रॉप्स ले लीजिए, पर तो 3-4 से ज़्यादा नहीं लेनी है। एक खुराक ले ली, 10 मिनट का दूसरी ले ली, 10 मिनट का तीसरी ले ली, 10 मिनट का चौथी ले ली, एक लेनी है। पहले दिन आपने केवल थूजा 200 में लेना है और कोई दवाई नहीं लेनी है। दूसरे दिन से आपने परवरिश एक्वाफोलियम मदर इंचर लेना है, इसको लगातार प्रयोग करेगा 10-15 सवेरे दिन में शाम को। 15 दिन के बाद आप नेट्रेम्योर 200 में यूज करेगा, केवल 4 डोज लेनी है इसकी भी। एक डोज 10 मिनट का, दूसरी डोज 10 मिनट के बाद, तीसरी 10 मिनट का, चौथी डोज 4 डोज यूज करेगा, उसके बाद पूर्ण रूप से इसको ही भूल जाइएगा। जिस दिन नेट्रेम्योर लेंगे या थूजा लेंगे उस दिन कोई दवाई भी नहीं लेंगे, परंतु बर्बरिश एक्वाफोलियम मदर इंचर को लगातार यूज करते रहिएगा 1-2 महीने तक। मेरा मानना है जो मूल के साथ दिखने वाले जो तिल हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। नए वीडियो के साथ में फिर कल मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।